नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। तो रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। खबर बोकारो से है, जो सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि धनबाद पुरुलिया NH-232 हाईवे के किनारे अवैध विदेशी शराब की खेप उतारी गई है। वहीं उक्त आम सूचना के सत्यापन और छापेमारी के लिए निरीक्षक उत्पाद द्वारा एक टीम का गठन किया गया और जांच के दौरान उक्त टीम के द्वारा 90 लाख रुपए की विदेशी शराब जो है बरामद की गई है और अन्य के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज करते हुए अग्रेतर अनुसंधान जारी किया गया है। पिंटाजोरा थाना में एक जगह पे काफ़ी संख्या में अवैध विदेशी शराब रखा हुआ है। तुरंत एक टीम का गठन किया गया जिसमें हमारे निरीक्षक संजीत देव, अवर निरीक्षक रवि रंजन, कृष्णा प्रजापति, दीपिका कुमारी और सारे हमारे स्टाफ थे जिसमें पुलिस वाले थे और थाना का सहयोग लिया गया पिंटाजोरा थाना। और जब वहाँ रेड किया गया उस जगह पे वार्ड 6 में NH-32 के किनारे वो जगह स्थित थी। तो लगभग 1050 पेटी हम लोग को मिला है अवैध विदेशी शराब, फॉर सेलिंग चंडीगढ़, मैन्युफैक्चर्ड है क्वींस डिस्टिलरी का, वहाँ चंडीगढ़ का। कहाँ के लिए लाया गया था क्या? ये अभी सब विवेचना का विषय है और हम लोग इस पर जाँच आगे कर रहे हैं। कीमत क्या होगी? कीमत लगभग आप रख लीजिए 70-80 लाख का शराब है। किन्हीं को चिन्हित भी किया गया? अभी वो विवेचना है, अभी हम आप नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जानकारी इनपुट हम लोग को मिल। आज पूरे सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय आहान पर जिले की सीमा से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली है। साथ ही SDM सदर ललित मिश्रा को 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने बताया कि पूर्व में आयोजित धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगों को स्वीकार कर किसानों की समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ट्रैक्टर रैली निकाल कर सरकार को चेतावनी देते हुए ज्ञापन देने आए हैं कि किसानों की मांगों को पूरा करें। आज पूरे प्रदेश में यह टिकैत जी के द्वारा यह आह्वान किया गया कि हम हर जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे कि हमारी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, उसको अवगत कराने के लिए। और इसका अगला कार्यक्रम, अगर हमारी समस्याएं जो हैं, अभी मैं बता रहा हूँ समस्याएं, उसको अगर नहीं पूरा होता है तो उसके लिए 18 सितंबर को हम लोगों का बृहद आंदोलन जो है लखनऊ में गार्डन में जो है होगा। तो यह जानकारी हम देने आए हैं, चूँकि जो 13 महीने हमारा धरना दिल्ली में चला था उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कहा गया था कि जो है हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं और जो यह MSP पे जो है गारंटी की बात थी, इसके लिए वो कमेटी गठित करने की बात कहे थे, लेकिन उस पर कोई जो है कदम नहीं उठाए। और सरकार के द्वारा कहा गया था कि किसानों की बिजली मुफ्त दी जाएगी, लेकिन उस पर भी किसानों को बिजली मुफ्त देने के बजाय अगर कहीं कनेक्शन लिया है किसान जो है मोटर चलाने के लिए, उसमें भी मीटर लगाए जा रहे हैं। मुख्य मांगे हमारी हैं कि हमारे MSP पर जो है गारंटी दिया जाए, किसानों को बिजली मुफ्त किया जाए जैसा कि वादा किया सरकार के द्वारा, और जो है किसानों का फसल जो बर्बाद हो रहा है इस पर भी रोक लगाया जाए। आज खबर वाराणसी से है, जो इलेक्ट्रिक बस के कर्मी हड़ताल धरने पर बैठ गए। लोगों का आरोप है कि उन्हें 5 माह का वेतन नहीं मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और कंपनी मैनेजर चालकों द्वारा समझाने और सुपरवाइजर द्वारा लखनऊ के किसी अधिकारी से बात करने पर परिचालकों को आश्वासन मिला है कि आपके खाते में वेतन भेज दिया जाएगा। उसके बाद परिचालक जो है उन्होंने हड़ताल वापस कर अपने काम पर लौटे। खबर चित्रकूट से है, जहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंप कर समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहाँ किसानों ने अन्ना पशुओं, लो वोल्टेज कृषि यंत्रों में GST को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली पर आज बिजली का प्रदेश सरकार ने वादा तो किया, लेकिन अभी बिल बस्तूर चल रहे हैं, मीटर लगाए जा रहे हैं, हमारे बिल का किसी भी तरह का कोई निदान अभी तक नहीं मिला है। लो वोल्टेज के चलते किसानों की मोटरें नहीं चल पा रही हैं। आज किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, मोटरें जल रही हैं और हमारा जो फेंसिंग
हम अन्ना प्रथा के कारण अपनी फसलों को बचा लेते थे। आज प्रदेश सरकार ने फेंसिंग लगाने पर पाबंदी लगा दिया, कानून बनाना अर्थ और जुर्माना दोनों दे दिया है, सजा दे दिया है। इसी तरह से ट्रैक्टर हमारा साधन है और ट्रैक्टर ट्राली में कोई बैठ के न जाने पाए इसका कानून बना दिया गया है। तो हम तमाम इसी चीजों को लेकर के विरोध में आए हुए हैं, लेकिन मुख्यतः सूखा राहत सूखा घोषित करते हुए किसान के कर्जे माफ किया जाए, किसान की लागत पूरी तरह से दे दिया जाए सूखा राहत के नाम पर, और अन्ना प्रथा जहां किसानों ने अपनी फसलें लगा लिया है पूरे जिले में कहीं न कहीं ज्वार चना मटर ज्वार आपका बाजरा आपका बाजरा धान ऐसी फसलों को जो डाल दिया इनके बचाने का काम जिला प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। बिजली पर आज बिजली का खबर कासगंज से है, जहां जनपद के गांव बरोना में गंगा नदी के पानी का कहर ढाया हुआ है, जिसके चलते गांव के लोगों का जनजीवन जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं ग्रामवासियों ने में गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर डर बना हुआ है, साथ ही किसानों की सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न हो गई है और अधिक नुकसान ना हो इसलिए सरकार द्वारा लगातार कटान रोधी कार्य भी कराए जा रहे हैं। बता दें कि जिलाधिकारी कासगंज और पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा लगातार वहाँ की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां कुमारी सैलजा जांजगीर पहुंची और भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही कुमारी सैलजा के साथ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। बता दें कि 13 अगस्त को जांजगीर के पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे, जिसको लेकर पुलिस लाइन मैदान में जोरों शोरों से तैयारियाँ जो हैं की जा रही हैं। जांजगीर चांपा के सतनाम सेवा समिति लक्ष्मणपुर में स्वामिनी माता की 51वीं पुण्यतिथि और नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले के सतनाम समाज के लोग बड़ी संख्या में वहां मौजूद हुए, साथ ही छत्तीसगढ़ लोक कला मंच की प्रस्तुति भी की गई। बता दें कि अध्यक्ष कामेश्वर धैर केडी ने परिवार के साथ पूजा की और उन्होंने कहा कि मिनी माता जिन्हें गुरु माता के नाम से जाना जाता है उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करते हुए अंतर्मन से श्रद्धांजलि दी जाए। सबसे शुरुआत में हमार मिनी माता जी के पुण्यतिथि मनाए गिस और हमार सब पदाधिकारी सतनामी समाज के जो चुने हुए हैं सभी के और 32 गांव के जो पूरा सभी के जनसंख्या जुड़े रिन हैं जेमा हमार समाज अध्यक्ष के शपथ ग्रहण करवाई हैं और सभी झनला मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ पर रहूं और बहुत से ज़्यादा विकास और अच्छा उज्जवल के लिए जगह के अच्छा सोच रखबो और अच्छा से अच्छा कार्य करे के कोशिश करबो। सबसे शुरुआत में हमारे